सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष नारद भक्ति सूत्र के 48वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह 48वां सूत्र छठे अनुवाक में है। यह कहता है, यह कर्म फलम त्यजति कर्माणि संन्यासास्ति ततो निर्द्वंदो भवति। अर्थात जो कर्म फल को त्याग देता है और जो कर्मों से संन्यास ले लेता है और जो द्वंद से परे हो जाता है, वह माया से मुक्त हो जाता है। यानी जो कर्म फल को त्याग देता है और कर्मों से संन्यास ले लेता है, वह निर्द्वंद हो जाने के कारण माया से उपराम हो जाता है। यहाँ पर यह बहुत जरूरी है। यह तो बहुत आसानी से लोग समझ लेते हैं, कर्म फल को त्याग देना, जैसे गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्तु अकर्मणि। कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, कर्म फल पर नहीं। तुम अकर्ता हो करके कर्म करो। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कर्म फल को त्याग दो। कर्म फल को त्यागने के लिए कह रहे हैं, त्यागने का मतलब है कि सारे कर्मों को प्रभु पर अर्पित कर दो। तो सभी कर्मों के फलों को प्रभु पर अर्पित कर देना ही वास्तव में कर्म और कर्म फल का त्याग है। यत करोषि यदस्नासि यद जुहोषि ददास्यत् यत तपस्यसि कौन्ते तत् कुरुष्व मदर्पणम्। ये गीता में भगवान ने कहा है कि तुम जो कुछ भी करो, खाओ पियो, दान करो, तपस्या करो, सब कुछ हे अर्जुन मुझ पर अर्पित कर दो। ऐसा कर देने से कर्म फल का और कर्म का दोनों का ही त्याग हो जाता है। चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ हो, शुभा शुभ फल रे हो मोक्ष से कर्म बंधन है। तो शुभ और शुभ सभी कर्मों से तुम मुक्त हो जाओ। अब कितने लोग ऐसे हैं जो कि कर्म को छोड़ करके कि भाई हम कर्मों का त्याग कर दिए हैं, बैठे हुए मन से कर्मों का चिंतन कर रहे हैं, तो फिर तो हम उसे भौतिक रूप में भले न संपादित करें लेकिन वैचारिक रूप से संपादित कर रहे हैं। इसीलिए कर्म को हमको पहले समझना पड़ेगा। कर्म का अर्थ हो गया वैसी क्रियाएं जिसे कि हमारा मन संपादित कर रहा है, यानी मन का उसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। जैसे दिल का धड़कना जो है वह कर्म नहीं है, क्योंकि उसमें मन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। खून दौड़ रहा है शरीर, उसमें मन कुछ नहीं कर सकता। वो शरीर की गतिविधि क्रिया के तहत आएगी। भूख लग रही है, उसमें मन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, भूख लगेगी। जिसमें मन का इन्वॉल्वमेंट है वह कर्म के तहत आ जाएगा। इस वस्तु को उठा करके इधर से उधर रख देना, ये कर्म के तहत आ जाएगा, क्योंकि मन इसमें निर्देशन दे रहा है। मन ने कहा कि यहां से उठाओ और यहां रखो। तो इसीलिए आप
कर्मों का जो संन्यास है, आप कर्मों, कितने साधु संत हैं कर्मों को छोड़ देते हैं, फिर आप जो उसको सामान्य रूप से, लौकिक रूप से कर्म कहते हैं, जो उसको उत्पादन का, जिसके माध्यम से उत्पादन होता है, उनको छोड़ देते हैं। कर्म तो वे करते ही रहते हैं, अनुत्पादित कर्म करते हैं, तो उनको पहले समझना पड़ेगा कि यदि हमें कर्म से संन्यास लेना है तो हमें विचार से संन्यास लेना पड़ेगा। क्या विचार को हम छोड़ सकते हैं? यदि विचार को छोड़ सकते हैं तो कर्म छूट जाता है, यानी विचार की संलग्नता नहीं होनी चाहिए, मन की संलग्नता नहीं होनी चाहिए। तो जिन जिन चीजों में मन नहीं शामिल होता है, जहां विचार शामिल नहीं होते हैं, वे कर्म में नहीं आते। जैसे कि हम कोमा में हैं तो हम कर्म नहीं कर रहे होते, जब हम घोर निद्रा में हैं तो कर्म नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम स्वप्न देख रहे हैं उसमें हमारा विचार शामिल है तो वह हम कर्म कर रहे होते हैं। यानी घोर सुषुप्ति अवस्था में कर्म नहीं हो रहा है, लेकिन स्वप्न अवस्था में कर्म हो रहे हैं। तो कर्म की इस गहन गति को समझना पड़ता है। तो विचार शून्यता वही हमें कर्म संन्यास की ओर ले जा सकती है, विचार शून्यता ही कर्म संन्यास। और कर्म फल का त्याग, परमात्मा को सब चीज अर्पित कर दिया, हर कर्म को, कर्म फल को, तो फिर दोनों का ही हो जाता है, भले विचार आ रहा हो। यानी यदि विचार भी हो रहे हैं और हम सबको परमात्मा पर समर्पित कर देते हैं हर कर्म को, तो हम विचार को भी समर्पित कर देते हैं, और वैसी स्थिति में फिर कर्म से संन्यास हो जाता है। यह एक दूसरा तरीका हुआ। तो इस तरीके से हम कर्म और कर्म फल से संन्यास्त हो सकते हैं। और ऐसा हो जाने के बाद क्या होता है? द्वंद्व से मुक्ति होती है, निर्द्वंदो भवति, तब निर्द्वंद हो सकते हैं। द्वंद्व यानी सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, शीत उष्ण, जो भी विरोधाभास चीजें हैं, छोटी बड़ी, इन सभी चीजों से हम मुक्त हो सकते हैं। सुख दुख, इन सब चीजों से हम मुक्त हो जाएंगे, निर्द्वंद हो जाएंगे, द्वंद्व से परे हो जाएंगे, सम अवस्था में हो जाएंगे। सम अवस्था में होने के लिए भक्त के पास यही विधान होता है कि वह सभी कर्मों को, सभी भावों को, सभी कर्म फलों को, सभी द्वंद्वों को परमात्मा को समर्पित करता रहता है। वो जानता है कि ये सारे द्वंद्व भी परमात्मा के ही हैं, परमात्मा ही है, तो उन सबको ही वह नमस्कार करता रहता है। इस तरीके से द्वंद्व से वह ऊपर उठता है। ध्यान योगी के पास दूसरे रास्ते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग भक्ति योग की बात कर रहे हैं, तो भक्ति योग में भक्त के पास क्या रास्ते हैं उसकी ही चर्चा होगी। तो भक्त के पास यही रास्ते हैं कि वह प्रार्थना करता है, वह हर चीज को ईश्वर रूप देखता है और हर चीज को वह ईश्वर का समझता है। उसके पास ये दो रास्ते हैं, हर चीज को ईश्वर का समझना और हर चीज को ईश्वर समझना, और इसके बाद फिर उनको समर्पित करता रहता है, उनको नमस्कार करता रहता है, उनसे न राग करता है न द्वेष करता है, उनको न भला मानता है न बुरा मानता है, उनको ईश्वरी मानता है। इस तरीके से वह मुक्त हो जाता है, माया से मुक्त हो जाता है। तो माया से मुक्त होने के लिए यही विधान यहाँ पर नारद जी ने हम संसारी लोगों को बताया है। ओम।